नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए समय नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके सामने ला सकें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले लिंस कैप्सूल के बारे में। ठीक है दोस्त, मैं पूरा डिटेल बताऊँगा यह किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट है। ठीक है दोस्त, ये देखिए लिंस। ठीक है दोस्त, ये देखिए लिंस कैप्सूल है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो है कि ये कितने रुपए मिलती है मार्केट में। ये देखिए 152 रुपये के मार्केट में है इसका वैल्यू। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी का दवा है, ये देखिए वेलेंस्ड कंपनी की दवा है ये। चलिए अब आपको हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, बताते हैं कि लिंस किसके लिए होता है। ठीक है दोस्त, यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया से लड़ती है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्त, यह फेफड़े के इन्फेक्शन में बहुत ही असरदार होता है, जैसे निमोनिया, गला, पेट दर्द, त्वचा और मुलायम ऊतक, हड्डियाँ और जोड़ों तथा दांत दर्द के इलाज के लिए यह कैप्सूल बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही लाभप्रद होता है, और यह विशेष करके बैक्टीरियल संक्रमण के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है दोस्त, बैक्टीरियल संक्रमण क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। मानव शरीर में कोशिकाओं की तुलना में अधिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है दोस्त, ये त्वचा और आंत में रहते हैं, और इनमें से इनसे अधिक संक्रमण या हानिकारक नहीं होते। ठीक है दोस्त, और यह कई प्रकार के बैक्टीरिया अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। बैक्टीरिया संक्रमण गला, फेफड़ा, त्वचा, आंत और कई अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है दोस्त, कुछ संक्रमण हल्के होते हैं और कुछ गंभीर होते हैं, और इनका इलाज खास करके एंटीबायोटिक दवा के द्वारा ही सही होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इस दवा का प्रयोग कैसे करते हैं। यह रोगी के उम्र के हिसाब से, रोग के हिसाब से डिपेंड करता है कैसे इसको प्रयोग करते हैं। इसको दिन में एक बार भी प्रयोग कर सकते हैं, और यह जो है कि डॉक्टर से सलाह लेके अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ऑल द बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है कि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करें। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट है जैसे उल्टी आना, चक्कर आना, पेट दर्द करना, सिर दर्द करना, और जो है कि योनि में सूजन होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर ये सब आपके साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं तो आप इस दवा को धीरे धीरे लेना बंद कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेके ही इस दवा को बंद करिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्त। और मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस दवा के बारे में तुरंत जो है कि वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, और आपको बताना चाहेंगे कि यह जानकारी हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताया है। फिर आपको लास्ट में फिर भी यह बताना चाहूँगा कि कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करें। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।